नमस्कार, हम इस वक्त मौजूद हैं हरियाणा के एक गांव में जिसका नाम है पदारत खेड़ा, और ये हमारे पीछे गुरुद्वारा है जहां से किसान आंदोलन के लिए लंगर की व्यवस्था की जाती है। तो यही सब देखने के लिए हम इन साथियों के साथ यहां पर आए हैं कि किस तरह से लंगर की व्यवस्था को आगे बढ़ाया जाता है और किस तरह इस गुरुद्वारे से यहाँ के हज़ारों किसानों के लिए और राहगीरों के लिए लंगर की व्यवस्था ये सिख समुदाय के लोग करते हैं। तो आइए देखते हैं किस तरीके से ये पूरी व्यवस्था की गई है। पदारत खेड़ा का ये गांव, और यहाँ पर इस तरह से कुछ ये लोग लंगर की व्यवस्था करते हैं। ये पूरा इस तरह एक गाड़ी में इसको जो है वो पूरा ये भरकर यहाँ से आंदोलन स्थल तक ले जाया जाता है। तो इसी तरह यहाँ पर ये तमाम लोग जो हैं आसपास के गांव से इकट्ठा होकर सामान थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करते हैं, और उसके बाद यहाँ पर इसको तैयार किया जाता है और फिर इस लंगर को लेकर उस किसान आंदोलन स्थल तक जाया जाता है इस गाड़ी के ज़रिए, और फिर ये राहगीरों को और आंदोलनकारियों को अलग अलग तरीके से, भैया अगर कुछ बता सकें आप कि कैसे आप लोग ये सब व्यवस्था करते हैं। इसमें सौ गाँव का इकट्ठा करके सभी मदद कर रहे हैं ये। अच्छा, हाँ, सभी गेहूँ इकट्ठा करके, कोई दाल चीनी सब सारे गाँव वो कर रहे हैं। सारे गाँव का फिर बनाते आप लोग यहीं बनाते हैं यहीं पर। हाँ जी, अच्छा, तो यहाँ पर ये महिलाएं जो हैं वो इस खाने को तैयार करती हैं। हाँ जी, हाँ जी। गिल साहब, मैं ये पता करना चाह रहा हूँ कि जैसे ये गुरुद्वारे से जो आपका मैनेजमेंट पूरा होता है, तो ये वहाँ के किसान आंदोलनकारियों के लिए है या राहगीरों के लिए भी है? देखिए, जो भी वहाँ आता है, चाहे वो आंदोलनकारी हैं, चाहे आने जाने वाले वहाँ से गुजरने वाले लोग हैं, सभी के लिए लंगर ये तैयार की व्यवस्था की जाती है, और सभी वहाँ पर खाना खा करके जाते हैं। रोज़ाना के आंदोलनकारी हैं, सुबह भी यहाँ से 9 बजे लेकर के रवाना हो जाते हैं रोज़ाना खाना। और इसी तरीके से और भी बहुत से गांवों में आसपास के, ये हरियाणा का गांव है, पहला लास्ट गांव है हरियाणा का पंजाब बॉर्डर पे। इसी तरीके से पंजाब के भी करीब 8-10 गाँवों से रोज़ाना इसी तरीके से लंगर तैयार होकर के आता है, और सभी लंगर की व्यवस्था अपने आप लोगों ने अपनी जिम्मेवारी संभालते हुए लंगर की फिक्र से मुक्त कर रखा है सभी किसानों को। और गुरुद्वारे तो वैसे भी मशहूर हैं अपने लंगर को लेकर। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारे गुरु नानक देव जी महाराज जी, उनकी परंपरा चलाई हुई है। 20 रुपये से उन्होंने ये लंगर की व्यवस्था शुरू की थी, कि 20 रुपये की व्यवस्था करके उन्होंने ये लंगर की परंपरा शुरुआत की थी। वो 20 रुपये का लंगर आज 500 साल बीतने के बाद भी उसी तरीके से अपनी व्यवस्था कायम किए हुए हैं। तो ये वो लंगर है कि जो हम आपको दिखाना चाहते थे, जो आप लोग पूछते हैं ना कि कहाँ से आ रहा है ये फ़ंड, तो ये फ़ंड जो है गुरुद्वारों से और गांव से छोटे छोटे किसानों के ज़रिए जो है आ रहा है। अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर कुछ लोग हैं, ये तमाम लोग यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सामान लेकर आए हैं और उसके बाद ये सब तैयार हुआ है। तो आप लोग किस तरह से, मतलब गाँव से घर घर से इकट्ठा कैसे करते हैं? घर घर जाते हैं या लोग खुद पहुँचाने आते हैं? घर घर जाते हैं। अच्छा, हाँ, घर घर जाके ले जाते, लस्सी पानी करते, दूध सारा करते जाते हैं। अच्छा, हाँ, जाते हैं। तो इसमें जो खर्चा होता है आने जाने का, वो सब लोग आप लोग गांव का फंड है जी। अच्छा, सब मिलके करते हैं, सारे लोग सब लोग मिलके देते हैं, कोई कुछ देता है, कोई थोड़ा थोड़ा, जितना पुगता है उतना देते हैं। आप लोगों को कैसा लगता है जब आप सुनते हो कि कहाँ से फंड आ रहा है, पैसा दे रहे हैं लोगों को, पैसा आ रहा है? सरकार गलत बोलती है ना, कुछ पत्रकार भी गलत बोलते हैं कि फंड आ रहा है, फंड कहीं से नहीं आ रहा है, यहीं से लोग थोड़ा थोड़ा देते हैं, जैसे गुरुद्वारे को बांच देते हैं लोग, उसको बनाते हैं, इसी हिसाब से यहाँ भी थोड़ा थोड़ा करके पूरा होता है काम। क्या 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 दर्द है आप लोगों को जब ये कहा जाता है कि पैसा कहीं, क्योंकि आप लोग, मैं देख रहा हूँ कि आप लोग खुद कर रहे हो, और जब सुनते हैं हम कि कहीं से आ रहा है, तो क्या महसूस करते हैं? बहुत बुरा लगता है, दर्द होता है जी, दर्द होता है। तो ये आसपास में जो लोग निकलते हैं, कुछ लोग आपका विरोध भी करते होंगे कि ये किसान बैठे हैं, रास्ता घेर लिया है, फिर भी आप उन लोग, अगर वो लंगर खाने आ जाते हैं तो क्या करते हैं? सबको देते हैं लंगर, लंगर का कोई किसी को विरोध नहीं, लंगर में करते हैं, जो आओ मत दिखाओ, सबको एक साथ ही, सबको एक साथ ही। हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल, सब सभी खा के जाते हैं। ये वो परंपरा है जो गुरु नानक देव जी ने 20 रुपए के लंगर से शुरू की थी, जिस तरह हमें बताया गया, और हमने आपको तमाम ऐसे लंगर के विजुअल्स दिखाए। अगर मैं आपको अभी फिर जो है वो तस्वीरें दिखाऊंगा, जो आप समझ सकेंगे कि किस तरह ये बनते हैं, किस तरह ये तैयार होता है। ये देखिए किस तरह ये जो है सब्जियाँ वो इकट्ठी हुई हैं, और उसको तैयार करने के लिए ये महिलाएँ जो हैं, गाँव की महिलाएँ हैं, और ये अपनी तैयारी कर रही हैं। देखिए, शिमला मिर्च, इसे मैं जानता हूँ शिमला मिर्च, ये क्या है? ये कद्दू है। तो आप लोग कैसे, मतलब ये जब इकट्ठा होके आ गया, उसके बाद आप लोग यहीं आसपास के गांव की हैं?
इसी गांव के हैं आप लोग, और फिर आप लोग खुद ये बनाते हैं सब? बनाते हैं, सब्जी सारी काट के जाते हैं, सवेरे बनाते हैं, फिर लंगर तैयार करते हैं, फिर लेके जाते हैं बॉर्डर पे। 3-3.5 महीने हो गए मन लंगर पकाउंदे हैं। थकते नहीं आप लोग, मतलब ये जब सब कोई प्रक्रिया? हौसला बहुत, मन हौसला हौसले नाल पकाउंदे हैं। कब तक बनाएंगे इस तरह, क्योंकि आंदोलन तो बैठे रहे उन्ना चिर बनावांगे। तो ये आप सुनिए कि कहाँ से क्या सामान आ गया, इन लोगों को कोई उसकी परेशानी की बात नहीं है। ये लोग खुद कह रहे हैं कि जब तक ये व्यवस्था चलेगी तब तक हम चलाने को तैयार हैं। तो आप एक बात ये बता दीजिए कि जैसे ये कितनी रोटियां आप सुबह में डाल लेते हैं आप लोग? असं हूँ एक टोकरा रोटियां का पका के भेजते हैं, 400 प्रसादा बनाने हैं, 400 रोटियां। और ये जैसे अभी तो ये सुबह का टाइम है, लेकिन फिर शाम को किस तरीके से होता है? शाम को इसे काटेंगे सब्जी सारी नू, हाँ। काट के दो के समार के दर के जाएंगे, फिर सवेरे बनावांगे। ये मैं चाहूंगा कैमरामैन से कि एक बार ये सारे विजुअल्स जो है थोड़ा पीछे से दिखाएं, ताकि लोग समझ सकें कि कौन है इस आंदोलन को खड़ी करने वाली वो महिलाएं, जिनके घर के जो पुरुष हैं वो आंदोलन में बैठे हैं, और ये लोग घर की व्यवस्था हो, लंगर की व्यवस्था हो, गुरुद्वारे की व्यवस्था हो, सारी व्यवस्थाएं सब संभालते हैं हम। तो अभी जैसे खेती, जैसे अभी फसल कटने का वक्त था, तब आपके घर वाले जो थे जितने भी घरे काम करके आते थे, सारा करें काम करके आके फिर उरे लंगर बना देते आके, और फिर किसान नाल बेचांगे आंदे थे, फिर साढ़े बच्चे प्रशादा फड़ा के आते थे, असं टाइम चो टाइम कड़ के देंदे थे प्रशादा, ना असी हूँ पछाह हटते, जोगल चलूगा काम अं प्रशादा पकावे, अं असी सब्जियां बना देवे। साढ़े तो गुरु का लंगर है, सानू कोई पता नहीं लग रहा साढ़े कितों आ रहा है, कितों साढ़ा कर रहा है, सानू कोई चीज़ की थोड़ी नहीं पा रही। लंगर चलाया थी, वही 20 रुपया का लंगर चल रहा है, परमात्मा की कृपा ना कोई कमी नहीं है, जड़ी भी चीज़ है सानू कोई पता नहीं है कितों आ रही है। आप लोगों की क्या नाराजगी क्या है, आप लोगों की क्या नाराजगी है? चलिए ये लोग तो मांगों को लेकर बैठे हैं, लेकिन आप लोगों की क्या नाराजगी है? पीछे हैं असी की खावांगे, ये मंगा दे उस वजह से भी ऐसे खतर बैठे हैं आप लोगों को। असी भी किसानों ने मांग लगी हुई, असी भी किसानों की जनानियाँ, जिवें साडे किसान करनगे उई जुकरे असी करांगे। उन्हां पंजाब वाले ने असी कुड़ियां, असी पंजाब वाले पंजाब दीआं कुड़ियां सारियां असी हरियाणा च बैठे हैं, वो भी साढ़े भाई ने उससे ये समझ रहा हूँ। तो ये एक बात समझिए कि ये लोग सिर्फ एक जो भाव है, आप उस भाव को समझने की कोशिश करिए कि ये लोगों की नाराजगी तो बस इतनी है कि इनकी मांग मान ली जाए और बात खत्म हो जाए और ये आंदोलन यहाँ से हो जाए। तो आप अगर कार से वैसे करते रहेंगे, जिन्हें दिन किसान बैठे ने ये सिलसिला अगर 2-4 साल चल गया तब फिर करांगे, बस करांगे तो जरूर लवांगे, असी नाल रल के रहेंगे पंजाबियों के जिथे तक पार वसाई, अड नहीं होवांगे। आप लोग क्या क्या, मतलब ये तो आज तो शिमला मिर्च और कद्दू है, और अथण नु देख ली तू, 2 टोकरे होर आवणगे, अई नहीं पता कित्थों आउंदे ने। और क्या क्या मतलब बनता है? आलूआं दा चवारा भरे पे है, मूंगी मासरी कर दिंदे, गठे भी पए ने, वाधू सारा समान वाधू है, उरे चौल पए ने, चावल पए ने, खंडा दीआं बोरियां पईआं ने, क्यों दे पीपे पए ने, टिंडो आउंदे देसी टिंडो आउंदे, न्यूट्री बनदी है, सब कुछ है सब। तो ये तस्वीर आपको दिखाने के लिए काफी है कि किस तरह किसान अपनी व्यवस्थाएं करते हैं। फिलहाल इस गुरुद्वारे से इस लंगर की व्यवस्था को दिखाने के लिए हमारे यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने हमारी मदद की, और मैं एक बार चाहूँगा कि जाकर उस ट्रॉली को भी देखें कैमरामैन, कि जहाँ पर ये पूरी लंगर की व्यवस्था को ले जाकर पूरे जिस तरह से इन्होंने तैयार किया, अब इसको ले जाकर गाँव में गाँव से ले जाया जा रहा है और आंदोलन स्थल तक पहुँचा कर किसानों को और आसपास के राहगीरों को खिलाया जाएगा। फिलहाल इस गुरुद्वारे से इतना ही, हरियाणा का ये आखिरी जो गांव है जो पंजाब बॉर्डर से लगता है। तो इस वक्त ये जो हम लंगर का पूरा आपको एक प्रोसेस दिखा रहे हैं, उसी प्रोसेस का अब अगला हिस्सा है, जब ये भाई जो थे अभी गुरुद्वारे में वहां से चले थे और अब ये लंगर स्थल पर जो किसान आंदोलन स्थल है वहां आ गए हैं। मेरे साथ यहां पर कई किसान साथी मौजूद हैं। आपने क्या किया कि इस लंगर को सबको शकवा दिया? हाँ जी, सबको शकवा दिया लंगर। अब क्या होगा इसका? हाँ जी, एंड करे जो लंगर बचा था
वो कारसे वाला का लंगर वहाँ पर पाए भी, तो दिन में आएगा 12-1 बजे यहाँ से अपना स्टेज पे से लंगर वहाँ पर खा लेगा। अच्छा, तो ये देखिए इन्होंने कैसे गुरुद्वारे में लंगर बनता है, कौन बनाता है, वो चीज़ें आपने देखी, और उसके बाद ये लंगर यहाँ पर शका गया वो मैंने आपको दिखाया गया। शकना एक शब्द है जिसको खाने के लिए प्रयोग किया जाता है, ये कहा जाता है। तो इसी तरह और भी परिवार हैं जो अलग अलग परिवार हैं, ये सब लोग जैसे ये गुरुद्वारे की कम्युनिटी के थ्रू ये काम हुआ, फिर अब ये एक परिवार है जो ये पूरा लंगर लेकर आया। आप लोग कहाँ से आए हैं? शेरगढ़ से। क्या क्या लेकर आते हैं आप लोग? परौठा ले आते हैं, चार ले आते हैं, चार चटनी ले आते हैं। तो ये सब व्यवस्था जो है आप अपने पैसे से करते हैं या गांव वालों के? अपने पैसे से। अपने पैसे से? हाँ। तो लेकिन लोग तो कहते हैं पता नहीं कहाँ से आ रहा है इनके पास पैसा, मौज मार रहे हैं किसान। ना मौज कौन मार रहा है, आप पकाते हैं, घर से पकाते हैं सारा, अपने ही राशन है सारा। हाँ जी, कोई पैसा नहीं, कोई नहीं। देख रहे हैं आप कि अपना राशन है, अपने आप बनाते हैं, परिवार की महिलाएं बनाती हैं, और फिर इसी तरह इसी ट्रैक्टर और इस ट्रॉली में छोटी लेकर ये लोग यहाँ पहुँचते हैं। माता जी मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो सब बनाने का आपका जो ये खर्चा वगैरह सब आप लोग खुद करते हो, खुद बनाते हो क्या? खुद आप ही बनाने हैं। अच्छा, तो और लोग भी मदद करते हैं या आप लोग घर की परिवार की महिला? अपने दो परिवार ने 10 बीबियां होनी है मासी, तो आदमी देने नाल वो सारा नाल अपने प्रशादे पकवाते भी ने, लैके भी आते ने, चाह बनाने सारा कुछ, इतने 2 बजे तो उठने फिर सारा लैके बना के इतने लैके आने, फिर सारे बरत आ के। सुबह कितने बजे उठती हैं? 2 बजे। सुबह 2 बजे उठती हैं? हाँ। मतलब रात के 2 बजे वो? हाँ। हम आपकी सुबह हुई और हमारी वो रात। हाँ। हुई तो रात के 2 बजे जाते हैं, 2 बजे अमृत वेला होता है, फिर तैयारियां होती हैं, गुरु का पाठ होता है। हाँ, सारा कुछ पाठ भी नाल होता है, लंगर भी तैयार होता है, रात को तैयारी करके सोने हैं, सवेरे फिर 2 बजे जनक के शुरू कर देने हैं। तो एक चीज़ आप ये समझिए, इसी तरह आप लोगों के अलग अलग जगहों पर गाँवों में इसी तरह होता है सर? हाँ, सब ही होता है। अच्छा, ये आपका आपका परिवार है, मतलब आप लोग अपने दम पर ये पूरी व्यवस्था कर रहे हो? दम पे, दम पे। किसी से कोई रुपया नहीं लेते हो? कोई रुपया नहीं, अपनी फैमिली है, हमारी अपनी फैमिली ही, वहाँ से ये सभी अपना इकट्ठे करके। कितने लोगों की इंतजाम लेकर आए थे आप लगभग, एक अनुमान के अंदाजा अगर देखें? हमारे होते हैं जी लगभग एक बार पूरा वहाँ से शुरू करके यहाँ तक पूरा हो जाता है। हाँ, पूरा, तो मतलब 400-500 लोगों का। हाँ, ये मिस्सी रोटी होती है और साथ में ये देख लीजिए किस तरह से ये जो है ये मिस्सी रोटी है, और इसी तरह चाय, मिस्सी रोटी, और ये पूरा इंतज़ाम जो है इसी तरह, ये शायद चटनी है, मुझे लग रहा है जो अभी मैंने खाया है लंगर जो शका है वो भी आप ही का शक के आ रहा हूँ पीछे। तो ये पूरी एक व्यवस्था है जो बढ़िया तरीके से ये लोग अपने दम पर कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो गुरुद्वारे की कम्युनिटी के द्वारा कर रहे हैं, और इसी तरह ये अलग अलग लोग जो है इसी तरह व्यवस्था पूरी करते हुए नज़र आते हैं। तो मेरे साथ यहाँ पर जो किसान नेता हैं डल्लेवाल जी वो भी मौजूद हैं। सर मैंने देखा कि ये लोग अलग अलग तरीके से गांव से एक परिवार लेकर आ रहा है, ये कुछ और लोग लेकर आ रहे हैं, इसी तरह आपकी व्यवस्था चल रही है? देखिए, ये हमारी पंजाब का ये एक कल्चर है, यहाँ पे कोई और कुछ हो जाए भूख से तो किसी आदमी को पीछे नहीं हटने देते हमारे लोग। इधर निगाह मारिए, ये हमारे बाबा जी खड़े हैं कार सेवा का, वो आगे इनका भी मतलब एक पूरा गाड़ी भर कर लाए हैं, उसमें लस्सी भी लाए हैं। मैंने आपको कल भी बोला था कि ये लोग मतलब दाल सब्जी लस्सी रोटी चाय, और चाय के साथ वो बहन मतलब डेली पराठे बनाकर लेकर आती है कि भाई सुबह सुबह जाकर लंगर जब तक आएगा एक एक सभी भाई एक एक दो दो पराठे खा लें। तो उसके बाद देखिए जो ब्रेकफास्ट करना का मतलब एक परंपरा चल चुकी है, वो भी हमारी ये हमारे बहन भाई जो इन गाँव वाले हैं वो पूरा करें। सरकारों की को इस बात को हजम नहीं आ रही सरकारों को कि इन्हीं के बल पर ये आंदोलन चल रहा है। अगर हमारी पीछे की सप्लाई लाइन कट जाती है तो फिर आंदोलन नहीं हो पाता। तो वो सप्लाई लाइन इन सभी भाइयों ने गांव से घर से और संस्थाओं से वो शुरू कर रखी है, और उसी के माध्यम से हमारा लंगर की व्यवस्था चल रही है, और हमें ज़रूरत भी नहीं है फिर किसी चीज़ की। देखिए, ठहरने के लिए ये गाँव वालों ने अपने आप ये अपने अपने पास से पैसा इकट्ठा करके मकान बन गया, इसी में बिजली लाइट का पंखे का व्यवस्था हो गई, वो गांव वालों ने कर दी। तो खाने की व्यवस्था हमारी ये भाई कर रहे हैं, और हमें यहाँ क्या क्या चाहिए, पैसे की ज़रूरत क्या है, कहीं किसी तरह की कोई पैसे की ज़रूरत नहीं है। उस तरीके से हमारे सब भाई हमारा सहयोग कर रहे हैं, तो ना हम पैसा हमें कुछ कहीं ये क्लियर हो जाएगा आपके माध्यम से
कि जो जिन लोगों को भलेखा है कि जिन लोगों को पता नहीं कहाँ से फंडिंग आती है, आंदोलन चलाने के ऊपर पता नहीं कितना रुपया खर्च आता होगा, ये क्लियर हो जाना चाहिए कि ट्रैक्टर लोग अपने आप खुद पैसा इकट्ठा करके गांव से राशन इकट्ठा करके गांव से लाते हैं और उसी से उनका तेल पानी का खर्चा होता है। टेंट बन गया, यहाँ पे रहने ठहरने की व्यवस्था होगी, वहीं से खर्चा चलता है। और जो लंगर की व्यवस्था मैंने आपको पहले बता दी, वो इस इलाके की संगत हमारा सहयोग कर रही है। हमारी ट्रॉलियों में आपको मिल जाएगा, कहीं भी ट्रॉलियों में लंगर की सामान जो लेकर आएंगे, क्योंकि 3 महीने हो गए। फिर हमने ये भी सोचा कि अभी लंगर वालों को ये दे दो, खराब ना हो जाए हमारा आटा वगैरह, तो वो सबका राशन वैसे का वैसा ही पड़ा रहा, वो कहीं पे ज़रूरत नहीं पड़ी। कल को यहाँ पे एक प्रयास कर रहे हैं कि लगाएंगे हम छबी लगाएंगे पानी की, क्योंकि संगत ज़्यादा आएगी, पानी ठंडा पानी पीना है। उसके लिए ट्रॉली वाले जितने भाई बैठे हैं, उन्होंने बाद में हमारे जो कमेटी वाले साथी व्यवस्था कर रहे थे, उन्होंने अभी अभी बताया कि वो कह रहे हैं कि आप चीनी हमारे पास पड़ी है यार, वो ले लो, वो लंगर में इस्तेमाल कर दो। कहने का मतलब ये है कि लोग पूरी की पूरी व्यवस्था लोगों की है और वो लोग चला रहे हैं। अच्छा सर, मैं एक अभी गांव में गया था, तो वहां जाके मैंने गुरुद्वारे पे पूरी व्यवस्था देखी लंगर की, कैसे वो लोग बनवाते हैं, कैसे गांव-गांव से घर-घर से इकट्ठा करते हैं। तो जब एक महिला से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा, मैंने उनसे पूछा कब तक लंगर बनाएंगी, कितने लोगों का बनाती है, तो उन्होंने बताया 400-500 लोगों का बनाते हैं। फिर मैंने पूछा कब तक बनाएंगी, थकती नहीं है, बोली हमारे मामे और भांजे हमारे वहाँ बैठे हैं। तो ऐसा क्या रिश्ता है हरियाणा और पंजाब का के मामा भांजे वाला, या फिर क्योंकि वो शायद मुझे लगता है बॉर्डर का लास्ट गांव है वो। देखिए, वो एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है उस बहन ने कही है, जो आपने हरियाणा और पंजाब के रिश्ते की बात कही है। सच में पंजाब और हरियाणा एक था, और अब भी हमारा अभी प्रयास है कि पंजाब और हरियाणा, चलिए सरकारों ने जो उनमें भी लाइन खींच रखी है वो तो पता नहीं कब मिटेगी, लेकिन हमारी आपस की जो सभ्याचारक एकता है, भाईचारा है, वो पिछले आंदोलन से लेकर कायम हो चुका है। वो एक भाईचारा है जो हम हरियाणा वाले, हमारे कभी कोई दुखांत होता है, कभी कोई खुशी का समय होता है, शादी होती है, वो आते हैं और हमें भी बुलाते हैं, हम भी वहाँ पर जाते हैं उनके कार्यक्रमों में, तो एक अलग सा रिश्ता बन गया। जो पहले एक था, एक को हमारी पॉलिटिक्स ने तोड़कर दो कराया, दो करने के बाद उनको लड़ाने का काम किया, लेकिन पिछले आंदोलन ने सबको दोबारा फिर से एक कर दिया, सभी की एकता बन गई। उसी रिश्ते से वो हमारी बहन ये बात कह रही है कि यहाँ पे हमारा कोई मामा है, कोई भांजा है, कोई भतीजा है, कोई भाई है, सब हम आपस में मिलकर ये आंदोलन, हमारे किसान की लाइफ लाइन की लड़ाई लड़ रहे हैं और उसको आगे ले जाने का हम प्रयास कर रहे हैं। तो ये एक रिश्ता भी समझिए हरियाणा और पंजाब का, और यहाँ पर उन लोगों की मोहब्बत और उनके जज्बे को भी समझिए जो दाना दाना इकट्ठा कर इन पूरे आंदोलन में बैठे किसानों को, राहगीरों को और हम जैसे लोगों को जो यहाँ आते हैं, क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है, उन तक को ये लोग व्यवस्था करके खिलाते हैं। तो ये एक बड़ी चीज़ है। तो ये कार सेवा जो करते हैं बाबा जी, उनसे मैं एक बार बात करना चाहूँगा। सर, कैसे आप लोगों की पूरी ये पूरे दिन की व्यवस्था रहती होगी, जब आप ये पूरा प्रोसेस करते होंगे तो किस तरीके से आप मैनेज करते हैं सारी चीज़ें? हमारा जी कार सेवा दा, जो भी लोग घरों में आटा दाना आता है, कार सेवा गुरुद्वारे में इकट्ठा होता है, संत महापुरख बाबा बलवीर सिंह जी गढ़ी साहब वाले, उन्हां दी छत्र छाया हेठ लंगर चलता है जी। जिस दिन दा इत्थे मोर्चा लगा है उस दिन दा लंगर चल रहा है जी। और ऐसे कब तक चलाने की उम्मीद है आप? जितना चेर भी रहेगा जी उतना चेर ही चलेगा जी, ये तो लंगर गुरु का लंगर है। मुझे तो इन किसानों से बात करके लगता है ये 2-4 साल या 5-10 साल अगर बात नहीं मानी गई नहीं हटेंगे। तो कोई चक्कर नहीं जी, भावें 10 साल चल जाए जी, ये तो चल ही जाएगा जी। कृपा रहेगा जितना चलेगा लंगर आता रहेगा, रोज 50 किलोमीटर से आते हैं। कृपा जी बाबा की, ये नहीं लंगर नहीं बंद होता जी। 13 फरवरी से आ रहे हैं, आते रहेंगे जब तक आंदोलन चल रहा है। तो ना ये बैठे किसान हटने को तैयार हैं बिना अपनी मांगे पूरी कराए, और ना ये जो व्यवस्था कर रहे हैं ना ये लोग हटने को तैयार हैं। तो 10 साल या 20 साल और कुछ लोग तो मुझे ऐसे मिले जिनकी उम्र 85 साल थी और वो कह रहे थे अब यहाँ से मर के ही जाएंगे या जीत के जाएंगे। तो ये एक तस्वीर है जिसे आप समझना चाहिए, और मुझे लगता है इन सारे सवालों के जवाब यहाँ के लोग आपको दे रहे हैं। इसके बाद भी अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो ये अब आपकी सोच के ऊपर जाता हो, शक होगा कि किस तरीके से आप समझेंगे। इन सब चीज़ों को देखने के बाद भी अगर इन बुज़ुर्ग किसानों के चेहरे की झुर्रियाँ पड़ने की आपकी आंखों में, वो
तासीर नहीं है या आँखों में वो ताकत नहीं है, तो मुझे लगता है अब आपको एक और चश्मा लगा लेना चाहिए, क्योंकि आपने जो चश्मा पहना है उस चश्मे का रंग धुंधला हो चुका है। तो एक और तस्वीर जो आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, जिसे आपको समझना चाहिए और आपको सीखना चाहिए उस व्यवस्था से जब आप कहीं पर हो और किस तरीके से एक पूरा इंतज़ाम किया जाता है। जब लोग कहते हैं कि सिख समुदाय का लंगर सबसे मशहूर है, तो वो लंगर क्यों मशहूर है और किस तरह मशहूर है, पहले उस मशहूर लंगर को समझने की कोशिश करिए और इन तस्वीरों के ज़रिए समझिए। इसमें क्या है भैया? ये दाल देखिए, दाल किस तरीके से है, और इसमें ये लस्सी, और इसी तरह, और ये पराठा देखिए किस तरीके से पराठा जो है वो पूरे कट्टे में भर कर आया है। तो ये सारी व्यवस्था आपको समझनी चाहिए और इन लोगों को। तो आप लोग जिस तरह से ये काम करते हैं, अगर इतना कोई ये काम करे, अगर आप हम अगर अपने यहाँ घर में शादी करते हैं और 200 लोगों को या 1000 लोगों को खिलाने की कोशिश करते हैं, तो हमारी तो हालत ख़राब हो जाती है। हो जाती है जी, ये तो फिर ये संगत का ही काम है जी, संगत ही गुरु का लंगर है जी, ये तो ऐसे ही चलता रहता है जी। हमारा तो 10 साल भी चली जाएगा तो कोई चक्कर नहीं जी, ये दिन रात चलता है लंगर गुरु का जी। तो मतलब एक बात बताइए ईमानदारी से, बिल्कुल सच, कि ये सिख हैं और आप सिख हैं इसलिए ये व्यवस्था कर रहे हैं, या अगर इस जगह कोई और होता तब भी ऐसी करते? हिंदू होवे सिख होवे इहदा तो कोई मतलब ही नहीं जी, ये तो गुरु घर जो सिख का गुरु घर है जी, उसको तो अपने हाँ सभी एक बराबर है जी, कोई हिंदू होवे मुसलमान होवे कोई किसी भी जात का होवे जी, कोई वो चक्कर नहीं। ये जो आंदोलन सांझा आंदोलन है जी, ये किसी सिख का नहीं, किसी और का नहीं, जितने भी बरादरी है, जो जितने भी धर्म है, सभी का साझा है, सभी के लिए है। अब अगर आप एक शब्द में और अपील करना चाहें सब लोग कि सरकार से कुछ कह दीजिए, ये सरकार तक कोई बात पहुंचा दीजिए, क्या पहुंचाएंगे? सरकार तक तो यही बात पहुँचाने जी, जो भी साड़ियाँ मंगा है मंगा मंजूर करना, तो यही अपने घरों जाइए जी, ये भी बेचारे दिन रात इतने खज्जल हो रहे हैं जी, अपने घरों जाएंगे जिद मंगा साड़ियाँ पूरी हो जाएंगी। हाँ जी हाँ, अभी तो यही कह रहे हैं भी साड़ियाँ मंगा पूरी हो जी, आपको अपने घरों जाइए, कोई चक्कर नहीं है सानू, कोई दिक्कत नहीं। यही बात है जी, भी सरकार हमारी बात सुने, हमारी मंगे माने, हम अपने काम करेंगे, सरकार अपना करती रहे, वही तो गल है भी सानू भी इतना इतने यही गल है जी। ठीक है, तो मतलब ठीक तो बैठे रहना पड़ेगा। हाँ नहीं बैठेंगे, बैठी हैं, जो सरकार को सही लगता है वो करेंगे जी, बैठाएगी। सभी लोगों का राशन सभी लोग देते हैं, सभी लोग खाते हैं, किसानों का खाना किसान खा रहे हैं, हम बना बना ला रहे हैं, इसमें क्या जितनी देर चलेगा चलेगा। ये आप समझिए किसानों का खाना है और किसानों के लिए उगाना है और किसानों के लिए ये पूरी व्यवस्था ये लोग कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ से ये तस्वीर देखने के लिए। खनौरी बॉर्डर पर मैं मौजूद हूँ और मेरे साथ जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, इस तरह पूरे टैंक समेत पूरा ये इलाका है जो कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, किसानों की 4 से 5 किलोमीटर की लंबी लाइन है, और ये तस्वीरें बताने के लिए काफ़ी हैं कि आंदोलन कितना बड़ा है, कितनी बड़ी तस्वीर है और किस तरीके से इस आंदोलन को आगे बढ़ाया जा रहा है। नेता हो या यहाँ के लोग हों, तमाम लोग इसी तरीके के इस आंदोलन की व्यवस्था को मैनेज करते हुए नज़र आते हैं। छोटे से बड़ा आदमी हो, चाहे 1 किला ज़मीन हो या 1000 किला वाले हों, वो इसी तरह यहाँ बड़े बड़े लोग भी लंगर की सेवा करते हुए नज़र आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम तस्वीरों के लिए और इन सभी के लिए जो हम यहाँ से दिखाने की कोशिश कर रहे थे, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें, अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें। किसान तक खाना है तो उगाना है, 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 किसान तक खाना है तो उगाना है।